the zeros of the quadratic polynomial x square plus kx plus k, where k is not equals to 0, both cannot be positive, both cannot be negative, are always unequal, are always equal. So, we have to tell about zeros. You know, this is a quadratic polynomial, so it can be maximum two zeros. So, we have to talk about those two zeros, that they can't be positive or they can't be negative. If they are not positive, then they are not negative. If they are not negative, then they are not positive. या फिर वो दोनों अनइक्वल हैं, वो ज़ीरोज़ आपस में डिफरेंट हैं, या फिर वो ज़ीरोज़ आपस में इक्वल है. तो इसमें से हमें देखना है बेस्ट ऑप्शन क्या होगा. तो पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पॉलिनोमियल को, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के. अभी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से ज़रा इसको कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म. तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि ए की वैल्यू 1 है यहाँ, b की वैल्यू k है यहाँ, एंड c की वैल्यू k है यहाँ. आई होप आप समझ पा रहे हैं. यू नो, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोएफिशिएंट को हम b बोलते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म को हम c बोलते हैं. तो मैंने इस कांस्टेंट टर्म को यहाँ c बोला हुआ है, c इज के. मैंने x के कोएफिशिएंट को मैंने b बोला हुआ है, तो b की वैल्यू मैंने k लिखी है. एंड x स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो कुछ भी ना हो तो 1 रहता है, तो a को मैंने 1 बोला हुआ है. आई होप इट इज क्लियर. ओके, अब मैं फाइंड कर लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड सम ऑफ रूट्स. मैं जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हैं उसे फाइंड कर लेता हूँ. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए हमें सी अपॉन ए की हेल्प लेनी पड़ती है. सी मतलब हमारे पास के है, एंड ए मतलब 1, तो के अपॉन 1 क्या हो गया, के हो गया. और यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि के की वैल्यू 0 नहीं है. ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं. अब मैं फाइंड करता हूँ सम ऑफ ज़ीरोज़. सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए मेरे पास फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए. मैं माइनस लिखूँगा, बी की वैल्यू के कॉपी करूँगा, और ए की वैल्यू 1 लिखूँगा, और ये हो गया माइनस के. अब देखते हैं कि हमने ऑब्ज़र्व क्या किया. यू नो, जब आप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं, मतलब जब आप दो ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई करने का ये मेथड है कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा वो डायरेक्ट पता चल जाता है सी अपॉन ए से. तो अगर दो ज़ीरोज़ का को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको प्लस के मिलता है, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. एंड आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव वैल्यू दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद तभी मिलती है जब वो दोनों नंबर्स का साइन सेम हो. ओके, तो दो पॉजिबिलिटीज़ हैं. हो सकता है दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव रहे हों इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा हो सकता है दोनों ज़ीरोज़ पॉजिटिव रहे हों इस वजह से इनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है. तो दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों ज़ीरोज़ नेगेटिव रहे होंगे या तो दोनों ज़ीरोज़ पॉजिटिव रहे होंगे. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अभी तक पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन सम ऑफ ज़ीरोज़ से कुछ क्लियर हो जाएगा. सम ऑफ ज़ीरोज़, जब आपने उन ज़ीरोज़ को ऐड किया है तो नेगेटिव वैल्यू आई है, माइनस के आ गया है. ओके, अब याद रखना चाहिए आपको कि आप अगर दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उन दो नंबर्स का सेम साइन है, या तो नेगेटिव नेगेटिव है और या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है. समझ पा रहे हैं ना आप, या तो नेगेटिव नेगेटिव है उन दोनों का साइन, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव है साइन. तो इन्हें ऐड करने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो इसका मतलब श्योर है कि वो वैल्यूज़ नेगेटिव ही थी. मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ. यू नो, अगर आप माइनस थ्री एंड माइनस फाइव ले लो तो इनका सम करोगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करोगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव. तो आप देख रहे ना कि दो नेगेटिव्स का प्रोडक्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, और दो नेगेटिव्स का सम क्या आया, नेगेटिव आया. तो आई होप ये क्लियर है कि दोनों का साइन नेगेटिव होगा. तो मुझे ऑप्शन ए को क्लिक करना चाहिए. बोथ कैन नॉट बी पॉजिटिव, यानी दोनों ही पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, आई मीन दोनों ही नेगेटिव होंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट. आई होप इट इज़ क्लियर, बट हो सकता है कुछ कन्फ्यूजन्स हों क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है. तो यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड you will be helped. Thank you.